बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की ओर से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, रवि किशन को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, रवि किशन को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ साथ रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया है और संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं लोकसभा चुनाव पर महाकवरेज। इस वक्त खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया है, बीजेपी की ओर से रवि किशन को टिकट दिया गया है। इसी के साथ साथ प्रवीण निषाद को भी संत कबीर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो इसके मध्य और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पार्टी अपने और भी ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये जो दो उम्मीदवार रवि किशन और प्रवीण निषाद जो आज उतारे हैं बीजेपी ने, तो इसी के साथ सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, संत कबीर नगर से होंगे प्रवीण निषाद बीजेपी के उम्मीदवार। प्रतापगढ़ के संगमलाल गुप्ता होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी को टिकट मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कई सीटों से कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। प्रतापगढ़ के संगमलाल गुप्ता होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और इसी के साथ रवि किशन भी शामिल है। अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी को टिकट मिला है। रवि किशन को भी गोरखपुर से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने कद्दावर जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि देवरिया से रमापति त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, देवरिया से रमापति त्रिपाठी को टिकट मिला है